तो फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो आप लोगों को आज दिखाऊंगा। एक वीडियो कॉन 15 इंच का टीवी है, सीआरटी टीवी है, जिसका प्रॉब्लम आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं टीवी पे लाइन देता हूँ, लाइन देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर जल जाता है। हमारा पावर इंडिकेटर जल रहा है। जलने के बाद मैं जो पावर सेक्शन को रिलीज करता हूँ, स्टैंड बाई से रिलीज करता हूँ। रिलीज करने के बाद मेरा टीवी तो स्टार्टिंग हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग होने के बाद हमारा पिक्चर सही नहीं है। जो हमारा रेड लाइन होके, रेड कलर होके हमारा रिटेक्स लाइन हो गया है और हमारा पिक्चर सही नहीं आ रहा है। हमारा जो प्रॉब्लम है आज का, हमारा कलर सिस्टम का प्रॉब्लम है। इसीलिए दोस्तों मैं टीवी को पहले खोल लूँगा, खोलने के बाद मैं प्रॉब्लम को दिखाऊंगा आज ये प्रॉब्लम कैसे आता है और कैसे सॉल्व करता है। उसके पहले दोस्तों मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, और दबाने से मेरा जो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जो मैं नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है, मैं टीवी को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद आप लोगों को सिस्टम का क्या फॉल्ट है वो बताऊँगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद मैं टीवी पे लाइन दूंगा। लाइन देने से पहले आप लोगों को बताऊंगा, जो हमारा ऐसे कलर फोल्ड आया है, कलर फोल्ड हमारा ज़्यादातर हमारा बेस सेक्शन से होता है। जो हमारा बेस का जो पीसीबी होता है वो वाला प्रॉब्लम होता है। जो हमारा लोकल टीवी पे हमारा ट्रांजिस्टर से हमारा कलर सेक्शन को फिल्टरिंग करता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक हमारा आईसी लगाया हुआ है, जो आईसी लगा के हमारा फिल्टरिंग कर रहा है, जो रेड ग्रीन ब्लू को कंट्रोल हो रहा है। और जो हमारा सिस्टम का जो आज का प्रॉब्लम है, जो रेड कलर हाई हो गया है, जो रिट्टा स्किन होके आ रहा है, उसका प्रॉब्लम कहाँ से होता है वो बताऊँगा। उसके पहले मैं टीवी को पहले लाइन दे देता हूँ। लाइन देने के बाद मैं जब पावर को स्टैंड बाई से रिलीज करता हूँ, तो रिलीज करने के बाद हमारा सिस्टम पे रेड कलर का जो हाई स्क्रीन आता है वो चेक करवा देता हूँ। देख सकते हैं हमारा रेड कलर का स्क्रीन आ गया है, मतलब हमारा रेड कलर का फॉल्ट है। जो हमारा रेड कलर का जो वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज नहीं मिलने से ये वाला प्रॉब्लम होता है। पहले तो हमारा जी जो ग्रीन का वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को देख लेंगे। जो हमारा ग्रीन पे हमारा वोल्टेज आ रहा है 164, मतलब हमारा ग्रीन पे हमारा पिक्चर सही है। रेड पे देखता हूँ, रेड पे देखिए हमारा 39 आ रहा है, मतलब हमारा रेड पे कोई वोल्टेज सही नहीं है। और ब्लू पे देखिए हमारा 64 आ रहा है, 164, मतलब हमारा ग्रीन और ब्लू पे हमारा पिक्चर सही है, लेकिन हमारा रेड पे कलर का वोल्टेज सही नहीं होने के कारण ही ये वाला प्रॉब्लम आया है। इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो हमारा ट्रांजिस्टर भाया जो हमारा बेस बोर्ड होता है वो बड़ा ट्रांजिस्टर शॉर्टेज के कारण ऐसा वाला प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं तो हमारा रेड ग्रीन ब्लू का जो हमारा आईसी से जो फ्लिप आता है, वोल्टेज आता है, वो वाला वोल्टेज जब मेरा मिसिंग हो जाएगा ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। हमारा वोल्टेज हाई हो जाएगा तो ये वाला प्रॉब्लम होगा। ठीक है, उसके लिए मैं आप लोगों को रेड ग्रीन ब्लू का वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। आप लोग अच्छी तरह से ये वाला चेक कर लेना। यहाँ पे एक प्रोटेक्शन मोड दिया गया है, यहाँ पे कुछ जेनर डायोड से ये वाला जेनर डायोड हमारा ख़राब हो जाने से भी ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये वाला जेनर डायोड को मैंने पहले भी चेक कर चुका हूँ। चेक करने के बाद ही आप लोगों को बताता हूँ जो हमारा सिस्टम पे क्या आया है। उसके लिए मैं टीवी को चालू करने के बाद आप लोगों को वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। सीधा आ जाएंगे हमारा जो रेड ग्रीन ब्लू का हमारा बेस का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन पे, जो हमारा पहले वाला पिन है ब्लू का, ये वाला पिन पे देखिए हमारा 1 वोल्ट तक आ रहा है, जो 0.5 तक आ रहा है, वो स्टार्टिंग होने के बाद हमारा वोल्टेज सही हो जाएगा। और ग्रीन पे देखिए हमारा 5 वोल्ट आ रहा है, और जो हमारा रेड है, और जो हमारा रेड कलर है, रेड कलर पे हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने से पता चलता है हमारा जो 5.5 वोल्ट आ रहा था
लेकिन यहाँ पे 4.3 वोल्ट आ रहा है, इसीलिए वोल्टेज हमारा रेट पिन पे हमारा वोल्टेज हाई हो जाने से ही ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब हमारा आईसी सेक्शन से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जो हमारा आईसी सेक्शन से टैग भाया होकर हमारा जो वोल्टेज जाता है जो बेस सेक्शन पे, वो वाला वोल्टेज को चेक कर लेता हूँ। जो पहले वाला जो हमारा पिन है ये वाला हमारा ब्लू का जो हमारा 0.5 दिखा रही है, पहले वाला जो पिन है ये वाला पिन हमारा ब्लू का 0.5 दिखा रही है, और जो हमारा मिडिल वाला पिन है वो रेड वाला पिन है। ये वाला मिडिल वाला जो पिन है ये वाला पिन हमारा ग्रीन पे भी 5 वोल्ट दिखा रही है, लेकिन दोस्त 0.5 वोल्ट दिखा रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रेट पे देखिए, रेट पे हमारा 4.3 वोल्ट दिखा रही है। मतलब हमारा 4.3 वोल्ट हाई हो जाने से ही ये वाला प्रॉब्लम आया है। इसका प्रॉब्लम कहाँ से होता है, एक तो हमारा आईसी से वोल्टेज निकल रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे हाई हो जा रहा, वोल्टेज हाई हो रहा है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एक फॉयल दिया गया है, एक फॉयल से हमारा कुछ डायोड कनेक्शन किया गया है, और ये कनेक्शन करने से ये वाला जो पिन है ये वाला पिन हमारा 5 वोल्ट का जो हमारा जो वोल्टेज होता है 5 वोल्ट का जो पीसीबी का वोल्टेज होता है वो वाला वोल्टेज से ही हमारा ये वाला जो डायोड दिया गया है वो डायोड पे हमारा कनेक्शन किया गया है कलर को, और कलर को कंट्रोल करने के ये वाला वोल्टेज प्रोटेक्शन मोड के लिए ये वाला डायोड दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा 5 वोल्ट से 0.5 वोल्ट आ रहा है जो पहले वाला डायोड है, और दूसरा वाला जो डायोड है ये दूसरा वाला डायोड पे हमारा आ रहा है 4.3, और ये वाला जो हमारा पॉइंट लास्ट वाला जो डायोड है वहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले वाला और दूसरा वाला हमारा सेम वोल्टेज दिखा रहा है 0.5 वोल्ट, और तीसरा वाला जो पिन है वो 4.3 दिखा रही है। मतलब दोस्तों ये वाला जो हमारा पिन है ये वाला जो हमारा डायोड का जो प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है 5 वोल्ट से, ये वाला डायोड हमारा शॉर्ट हो गया है, इसीलिए ये वाला 5 वोल्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है, और आईसी से जो वोल्टेज निकलता है जो हमारा कलर सेक्शन का वोल्टेज निकलता है वो वाला वोल्टेज हमारा शॉर्टेज हो चुका है, हाई हो चुका है, इसीलिए ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। मैं ये वाला डायोड को चेंज कर दूंगा, और जो जेनर डायोड दिया गया है उसको चेंज कर दूंगा, चेंज करने से ही ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मैं डायोड को चेंज करता हूँ, चेंज करके आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो डायोड था ये डायोड को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद मैं डायोड को जब चेक किया था वो वाला ये वाला डायोड है, इसका डायोड का नंबर है 4148 दिया गया है, जो 4148 का ये वाला डायोड जेनर डायोड दिया गया है, और ये जेनर डायोड हमारा शॉर्टेज हो चुका है। उसके लिए मैं ये वाला एक डायोड लगा लूँगा जो वही नंबर का 4181 का, ये वाला डायोड लगा के हम लोग सिस्टम को चेक करेंगे, चेक करने से पता चलेगा हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, जो हमारा कलर का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है कि नहीं। ठीक है, मैं ये डायोड को लगा लेता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो डायोड मैंने ओपन किया था वो डायोड मैंने लगा चुका हूँ। लगाने के बाद ये वाला जो मिडिल वाला जो डायोड है ये वाला डायोड हमारा ख़राब हो चुका था, इसीलिए मैं नया वाला डायोड लगा चुका हूँ। लगाने के बाद मैं टीवी को चेक करूँगा, और जो यहाँ पे जो ज़्यादा वोल्टेज हो गया था वो वोल्टेज के भी देखा दूँगा हमारा वोल्टेज कैसे कंट्रोल हुआ है। इसके लिए मैं टीवी को पहले ऑन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को ऑन कर चुका हूँ। ऑन करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो हमारा यहाँ पे वोल्टेज का हाई हो गया था, पहले वाला जो हमारा पिन पे हमारा 0.5 आ रहा था, पहले वाला जो पिन हमारा 0.5 हो गया था और रेड हाई हो गया था, और ये वोल्टेज कलर का प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले वाला जो पिन है जो हमारा ब्लू का वो वाला देखिए हमारा 2.8 आ गया है, और दूसरा वाला जो हमारा जी का है ग्रीन का
वो 2.8 आ गया है। और तीसरा वाला जो पिन है जो हमारा यहाँ पे वोल्टेज हाई हो गया था 4.3 तक दिखा रहा था वो 2.8 हो गया है। मतलब तीनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए और हमारा तीनों सेम होगा तो हमारा क्लियर पिक्चर क्लियर हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं हमारा टीवी पे स्नो आ गया है और हमारा पिक्चर का जो रेड वाला जो स्क्रीन था वो स्क्रीन हमारा क्लियर हो चुका है। और दोस्तों आप लोगों को और एक चीज़ दिखा देता हूँ, जो हमारा ए वाला जो हमारा बेस वाला जो सीआरटी का जो बेस बोर्ड है वो बोर्ड पे जो हमारा वोल्टेज का कंट्रोल का ज़्यादा कम हो रहा था। यहाँ पे देखिए जो हमारा ग्रीन वाला जो पॉइंट है वो दिखा रही है 180 वोल्ट और रेड पे हमारा 43 वो 44 तक दिखा रही था वो हमारा 110 हो गया है। और जो हमारा ब्लू का वो 113 120 हो गया है। मतलब हमारा आज का जो प्रॉब्लम था कलर का प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। ज़्यादातर दोस्तों ये वाला जो प्रॉब्लम होता है ये वाला मेन आईसी से तक होता हो सकता है, लेकिन हमारा रेड ग्रीन ब्लू का जो वोल्टेज का प्रॉब्लम था वो हमारा ये पीसीबी से आया था, इसीलिए ये वाला प्रॉब्लम आया था। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, तो आप लोगों को नया नया वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।